गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट वो था टेंस। ओके स्टूडेंट, और जो हमारा प्रेजेंट टेंस था स्टूडेंट, वो हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट जो हमारा था वो था पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस हमारा चल रहा था स्टूडेंट। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड्स तक सभी कंप्लीट किए थे। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट इसकी एडवर्बियल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो एडवर्बियल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, वंस एगो, यस्टरडे, बैक, सम टाइम एगो, बिफोर, द प्रीवियस डे, नाइट, वीक, ईटीसी, एक्सेट्रा, लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईटीसी, एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दीज आर एडवर्बियल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल्स एज माय डॉग डेड लास्ट नाइट। ओके स्टूडेंट, लास्ट नाइट ये इंडिकेट कर रहा है सिंपल पास्ट टेंस की तरफ। ओके स्टूडेंट, इट रेफर्स टू सिंपल पास्ट टेंस। ओके, लास्ट नाइट क्या हो गई स्टूडेंट? एडवर्बियल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस का हमें पता चल गया अभी सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, सी वेंट टू जयपुर यस्टरडे। सी वेंट टू जयपुर यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्बियल से स्टूडेंट कौन से टेंस की? सिंपल पास्ट टेंस की। दिस इज एडवर्बियल्स। ओके स्टूडेंट, ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। एडवर्बियल, एडवर्बियल, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है स्टूडेंट। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज यहां पर हुआ है। इज दैट क्लियर? और सेकंड फॉर्म का यूज, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। The servant came and gave me a cup of tea. The servant came and gave me a cup of tea. Okay, student, अगर and conjunction दिया हुआ है, and given है यहां पर। ओके, यहां पर फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज, एक सेंटेंस अगर एक समय में पूर्ण होते हैं स्टूडेंट, जो भूतकाल के सेंटेंस हैं, ओके, और एक समय में कंप्लीट होते हैं, तो इसमें एंड से कनेक्ट होते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, टू टाइम्स।
ओके, टू टाइम्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, एंड से कनेक्ट होते हैं ये। द सर्वेंट केम, सर्वेंट केम एंड गेव मी ए कप ऑफ टी। ओके, तो यहां पर भी ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, ही क्लोज्ड हिज शॉप एंड वेंट अवे। ही क्लोज्ड हिज शॉप एंड वेंट अवे। एक समय में दो कार्य पूर्ण कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। ओके, जैसे ही क्लोज ही शॉप, उसने अपनी क्लोज अपनी शॉप को क्लोज किया, बंद किया और वह चला गया। तो इसमें टू टाइम्स और एंड से जो कनेक्ट होंगे, एंड कंजक्शन होगा इसमें, और सेकंड फॉर्म का यूज होता है, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहां पर ये सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वेंट के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, आया समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट सेंटेंस, सी सी कम हेयर सम टाइम एगो। He celebrate his birthday yesterday. नेक्स्ट, सी राइट द एसे लास्ट मंथ। फोर्थ, राम इंटर द रूम, सो राम इंटर द रूम एंड begin to speak. Once once there
वाज ए, वंस देयर वाज ए किंग, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और ऐसे ही एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट. ओके, कि कैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, कि हमें एडवर्बियल्स के बारे में पता होना चाहिए. ओके ओके स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले एडवर्बियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि एडवर्बियल्स कौन कौन सी होती है सिंपल पास्ट टेंस में. तो सिंपल पास्ट टेंस में जो एडवर्बियल्स होती है स्टूडेंट, वो होती है एडवर्बियल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वंस, एगो, येस्टरडे, बैक, सम टाइम एगो, बिफोर, लास्ट, नाइट, वीक, मंथ, डे, द प्रीवियस डे, वीक, मंथ, ईटीसी, एक्सेट्रा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं स्टूडेंट, और हमें क्या चेक करना है, क्या हमें फाइंड आउट करना है? एडवर्बियल्स. अकॉर्डिंग टू एडवर्बियल्स हम टेंस का यूज करेंगे. ओके, तो हमें पता है स्टूडेंट सम टाइम एगो सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्बियल्स. और सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्बियल्स है स्टूडेंट, तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, यस्टरडे सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्बियल, लास्ट मंथ सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्बियल, और एंड, एंड दिया हुआ है, और बीच में यहां पर ब्रैकेट में इंटर और नेक्स्ट बिगिन दिया हुआ है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वंस देयर, वंस एडवर्बियल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है सी, ब्रैकेट में कम दिया हुआ है और एडवर्बियल्स सम टाइम एगो दी हुई है. तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है स्टूडेंट. तो इसमें सेकंड फॉर्म कौन सी? तो कम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? कैम, सी ए एम ई, कैम. नेक्स्ट, ही सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड. नेक्स्ट, सी रोट, ये फर्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट. ओके, और ये सेकंड फॉर्म. राम इंटर्ड, राम इंटर्ड द रूम एंड बिगेन टू स्पीक. वंस देयर वाज ए किंग, ये जो ब्रैकेट में दी हुई है वाज, ये बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, इसका ही यूज होगा वाज. यहां पर वाज का हमने इसलिए यूज किया क्योंकि वाज के वर्ब के जस्ट बाद क्या है? ए किंग, एक राजा. ओके स्टूडेंट, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज का यूज होगा. वंस देयर वाज ए किंग. ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस था वो कंप्लीट हुआ. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है पास्ट कंटिन्यूअस स्टूडेंट. इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. Past continuous tense. Past continuous tense को progressive tense भी कहते हैं. Is that clear, student?
कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। इट शोज दैट ए पर्टिकुलर एक्शन इन द पास्ट इट शोज दैट ए पर्टिकुलर एक्शन इन द पास्ट। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में जैसे रहा था, आइडेंटिफाई करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस को, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। और इसमें जैसे सिंपल पास्ट टेंस में किया था, सभी टेंस में करते आ रहे हैं स्टूडेंट। जैसे सेंटेंस लिखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंस, तो इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसी प्रकार से होंगे, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। Progress in the past. तो सबसे पहला जो इसका सेंटेंस है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस तो आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कि इसमें रहा था, एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, तो हिंदी का जो वाक्य होगा स्टूडेंट उसमें एंड ऑफ द सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे। ओके स्टूडेंट, ऐसे वर्ड्स होंगे, इज दैट क्लियर। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो साधारण वाक्य जिसे कहते हैं स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होगा स्टूडेंट। ओके, इज दैट क्लियर। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब यहां पर वाज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ओके स्टूडेंट, और वर्ब का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मींस ही, सी, एनी सिंगल नेम। As Ram, Sita, boy, girl, it is that clear student? इसी प्रकार से plural subjects कौन से होते हैं student?
आई के साथ भी वाज का यूज किया जाता है, आई यू वी दे प्लूरल नाउन्स एज राम एंड सीता, बॉयज गर्ल्स ईटीसी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सिंगुलर सब्जेक्ट्स का यूज होगा वाज के साथ, ठीक है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी वाज, ओके। बिकॉज स्टूडेंट वाज जिस वर्ब के अंत में एसीआईएस होते हैं, आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द सिंगुलर वर्ब, ओके स्टूडेंट, कि जिस वर्ब के अंत में एसीआईएस होते हैं वो कौन सी होती है? सिंगुलर। तो इस हेल्पिंग वर्ब में ये वाज और वर्ब दी हुई है, इनमें एस कौन से में है? इसमें वाज में एस लगा हुआ है, एंड ऑफ द लेटर जो दिया हुआ है एस लेटर दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट। तो अब यहां पर एस दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये कौन सी है? सिंगुलर है। और इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे स्टूडेंट वो भी सिंगुलर। और जिस वर्ब के अंत में एस या एस न हो, जिस वर्ब के अंत में एस या एस न हो, इस वर्ब के अंत में ना तो एस है ना एस है, तो इसका मतलब ये जो वर्ब है कौन सी है? प्लूरल वर्ब है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कौन सी वर्ब है? प्लूरल। तो इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे स्टूडेंट वो भी प्लूरल फॉर्म के ही होंगे, जैसे यू वी दे प्लूरल्स, प्लूरल नाउन एज, जैसे कि राम एंड सीता, बॉयज गर्ल्स ईटीसी एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। Examples, Ram and Shyam were going to their office. Ram and Shyam, they are two objects in this sentence, okay student, they are two objects in this sentence, sorry subject, they are two subjects, they are two subjects in this sentence, Ram and Shyam, okay student. Ram and Shyam are plurals, okay student. Ram and Shyam are plurals because both the subjects are different, okay student. Dono hi noun kya hai? Different hai, okay. Ek Ram hai, ek Shyam hai, okay student. To one more than one, ek se zyada hai, do hai, they are two. Isliye student ये प्लूरल सब्जेक्ट हुए और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी? वर, ओके। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा, गोइंग टू देयर ऑफिस। तो कैसे बना? राम एंड श्याम वर गोइंग टू देयर ऑफिस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। सी वाज
बाइंग सम ड्रेसेस. शी वॉज बाइंग सम ड्रेसेस फ्रॉम द मार्केट. She was buying some dresses from the market. तो सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है स्टूडेंट. सी क्या है? सी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट. सो हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया यहां पर, क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमने वर्ब भी कौन सी यूज की? सिंगुलर ही की. और सिंगुलर आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब को कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जिस वर्ब के अंत में एस या एस होते हैं वो कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर होगी. और अपने साथ सब्जेक्ट कौन से लेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होंगे. तो इस वर्ब के अंत में क्या है? एस. तो ये कौन सी है? सिंगुलर. और इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होगा कौन सा होगा? सिंगुलर. शी वॉज बाइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. शी वॉज बाइंग सम ड्रेसेस फ्रॉम द मार्केट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस के, जिसे प्रोग्रेसिव सेंटेंस प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ. ओके तो